ओडिशा सिनेमा शिल्प ता भितरे ब्रजराज मूवीज पूर्वरु बसंत नायक अनेक हिट फिल्म ऑफर करथिले ओडिशा को एवं से ही रास्तारे तांको पुओ संजय नायक मध्ये आउ किछि पाद आगे चली चंती आई लव यू मु रोमियो द लवर बॉय वर्षा माई डार्लिंग एपरी अनेक ओडिया फिल्म भेटी देछंती। दर्शक बंधु आज आम सहित सकाळर अतिथि अछंती संजय नायक, आपनको स्वागत करूछि। सर्वप्रथम में दर्शक मानक जगे ओडिशा दर्शक मानक गुड मॉर्निंग। ओके तबे संजय नायक विशेष करी एक्टर एवं फिल्म इंडस्ट्री आपनो टुटु भाई हिसाब रे बेस जणा सुणा तो केमति मणीस आपनो से आर्टिस्ट माने कहिबे मु म कर्मर विश्वास रखे जेतु पिला दिनु फिल्म माहौल बढ़ी आसी तेन फिल्म हूँ मोर फर्स्ट प्रेफरेंस। अच्छा तो गोटे क्वेश्चन रहा कि जेहेतु आपण एते सकाळ आसछन्ति प्रोग्राम को तो आपण जनरली एते सकाळ उठन्ति ना आज प्रोग्राम पाई उठिक आसछन्ति? देखंतु मु सकाळे जेहेतु मु कटक जन्म कटकिया मु सकाळ उठी विलेज ग्राउंड रे मॉर्निंग वॉक करे। अच्छा एई अनुभव अरिंदम समस्त सकाळे मॉर्निंग वॉक करे कि त फिट करै छी। अच्छा फिट करकी पर्दा गणि छी। ओके नियात रूपे दर्शक को आपण जानिथिबे अनेक गुडे अवदान होउछि तांकर फिल्म इंडस्ट्री पई किंतु सबुटु बड़ कथा जदि हम कहबा जेते सब स्टार आसी प्रथमे आपणक द्वारा ही से आसी परे परे नेम फेम पाई अनुभव कथा कहतु किंवा बाबूशान कथा कहतु अरिंदम कथा कहतु तो आपड़ केमती चिन्हती क्या भितर कौ क्वाटी रही? देखु जेहेतु पिलादे फिल्म मल बढ़ी सुना चिन्ह बणिया गुण चिन्ह गुणिया जेहेतु फिल्म मल बढ़ी बापा क्यारिये बहुत नुआ पिला इंट्रोड्यूस कर लाइक विजय महांति मेन बहुत आर्टिस्ट बहुत टेक्निशियन करते तेणु भगवान मत पठाई सेम आखि दे कि जो मुझे अनुभव इंट्रोड्यूस कली समस्त कहले बापा ना बुड़ेब कहीं ठाकरा गले बट मुझे जानी ये पर्दार कौन लगे संजय बाबू आप रिस्क देखते जेहेतु आम ए लाइन में बहुत दिन अच्छा आम निजर काम प्रति कन्फिडेन्ट था कहीं आम फाउंडेसन ठीक रखा फिल्म रेन हो स्क्रिप्ट एवं सॉन्ग द टोटल इन्वॉल्वमेंट आम फाइनेंस नु आम प्रोड्यूसर तेणु फिल्म प्रत्येक दिग को दृष्टि दे था तेना कन्फिडेन्ट था कि आम रिस्क ने पिला कले कहीं जेहेतु 80% आम प्लस कर दे था खाली आर्टिस्ट को 20% देवार अच्छे दे 100% हो। तेज संजय बाबू आम जब आलोचना करवा कहते कि आम कनसेप्ट स्ट्रंग था कि सब क्योंकि अभियोग आसीचा चलचित्र सहित जोड़ आसी कि मानते निच्छक ओडिया कहानी हिसाब से देखा मिलूना ओडिया फिल्म रे सब कॉपी पेस्ट रहा सामना को आसू तो या कहीं पर करना देखो आ विषय में ये कहि आगुरी भी कपी होता बट मीडिया स्ट्रंग ना। अच्छा देखो आम टाइम सांगे ताल दे चल बर्तमान कौन देखो आज आम आगुरी फैमिली जो बापा बनुले कहीं जिते लेडीज को कंदे से पिक्चर हिट। अच्छा बर्तमान टाइम चेंज है लेडीज मैंने सब घर बस कि टीवी फ्री देखले फिल्म तेरे हल को आसूना हल को आसूँ कौन मैंने यंग मास यंग मास दरकार फुल एंटरटेनमेंट तेणु आम एंटरटेनमेंट कराऊँ जो कपी कौन देखो अगर सब हुए हिंदी वाला तेलुगु कर तेलुगु वाला हिंदी कपी कर बट आम काम एंटरटेन कराइबा। संजय बाबू बैनर हूँ गोटे ब्रजराज बैनर किंतु बापा रही थे बसंत बाबू एवं आपण रही तो दिजन को भितर पार्थक्य आप कौन देखुं डिफरेन्स कौन देखुं सैटा देखते पब्लिक कह मोर कर्म फिल्म करवा तेणु आम रेकर्ड अच्छे ब्रजराज रेकर्ड देखु बापा फास्ट एंट्री कले जाजावर आज डिस्ट्रीब्यूटर जन सांग हेल्प कर फास्ट तापर देखले फिल्म मजा अच्छे यहाँ बेपार को चलीहब सेकेंड आनाउंस कले नागभास निजे प्रड्यूसर एंड डायरेक्टर विजय महत इंट्रोड्यूस करते नागभास माँ पर्यंत बापा बुझते आफ्टर मैं ग्राजुएसन माँ हूँ मोर फास्ट पिक्चर एग्जीक्यूटिव प्रड्यूसर हिसाब से प्रडक्शन पशिली बापा माँ पाखे रही काम शिखिली इंडिपेंडेंट एज ए प्रोड्यूसर मुझे आई लव यू बापा करते फैमिली पिक्चर दंडा बाड़ुंगा चाकुरख अनंत लक्ष पाई पुओ जशोदा मु बनैली आई लव यू वर्षा माइ डार्लिंग यंग मास को बापा फैमिली फिल्म बनुते बट मुझे देख ली मो टाइम बेलू
से ऑडियंस चेंज हो गेले वो रोमियो द लवर बॉय यस न मो रोमांटिक बनेली अच्छा तो इंडस्ट्री में आज रोमांटिक प्रोड्यूसर आई लव यू वर्षा में डार्लिंग प्रेमी नंबर 1 प्रेम ऋतु आसिला रे मु तो लव करची मत तो लव भेला रे रोमियो द लवर बॉय लास्ट बनेली डॉन डॉन काई बनेली मुझे ब्रजराज मूवीज बसंत नायक यदि आमे डॉन न बनेबो तो डॉन बनेबो की अच्छा सेटा थला मोर प्रेस्टिजियस फिल्म एंड माने ग्लैंजियर फिल्म बनली फर्स्ट टाइम उड़िया फिल्म रे दीदी रे हेलीकॉप्टर आसला एवं क्लाइमैक्स रे आठटा गाड़ी को ब्लास्टिंग उड़े दिली अच्छा मु कदर बनेबा से प्रॉफिट रे करनी थी गोटे बुद्धि थिले किंतु फिल्म तैयारी टेक्निकली केते भलो जे तैयार करी हुए से डन बने थी अच्छा तापर बाबूसुंदर बनेली 143 आले अच्छा तेबे आपण को तो जानबा पई जाइबो कि आपण एते फिल्म बनै छथि किंतु आपण को सबटु गोटे जिंस आपण दायित्व माने ध्यान रखि थांथि कि लोकेशन केमथि भलो होइतबो सेट केमथि भलो होइतबो एवं केमथि भलो क्लैरिटी आसुतबो तापर मते विशेष काम करि थांथि आपण काहे ना हम सदा क्वालिटी को जोगि थाउ नुआ ना पिल इंट्रोड्यूस करू सब करू बट हम परमानेंट के देखंतु हमर करियर देखंतु हमर राइटर बहुत कम दि एते वर्ष पछि 19 पछि भितरे तीन टा राइटर लिखिंथि कारण आम डायरेक्टर हूँ फिक्स था आम म्यूजिक डायरेक्टर दुई तीनोटी अक्षयन थे स्वरूप नायक स्वरूप आम परमानेंट हो गए कहीं काल ठार काल मा जाने आम कौन चाहूँ आम टीम जानती तेणु रंजित पट्टनायक आम रईटर फिक्स जानते ए टेस्ट तेना ध कले धरी पका तेनाली आम सदा फिल्म कल करूँ टीम टाइम स्ट्रंग रखू टीम हूँ मेन तापर नुआ आर्टिस्ट नहीं करूँ तो आप आगे कौन आसूँ प्रोजेक्ट कौन आसूँ एपा एक्सपायर पर बर्तमान मुपा ना कर ब्रजराज मूवीज मो बापा ना प्रोडक्शन हाउस खोल बसंत नायक एंटरटेनमेंट अच्छा से आई लव यू टू कर सिक्वेल आसूँ आई लव यू आई लव यू टू अच्छा क्या नौ हिरो अनुभव झिलिक संबित अच्छा नुआ स्टार कास्ट ओल्ड वाइन न्यू बॉटल अच्छा 2004 को आई लव यू 2020 रिलीज हो आफ्टर 16 इयर्स आई लव यू टू अच्छा तबे संजय बाबू आपण जते बेले कटक ते थिले कटक रे आपण को पाठ पढा निहात रूपे चालथिबो स्कूल कॉलेज सब सेटी तो पिला दिन रो अनुभूति केमती थिला बहुत भलो थिला कना कटक ता जे कला प्रेमी जे जते आर्टिस्टिक देखन सब कटक सेतरा मोर मन अछि मु बापा फिल्म पसिले 10 वर्ष हेतला अच्छा मो घर एवं ऑफिस गोटे तेनाली तो मैंने अक्षय महांती श्रीराम पंडा धीर विशाल उत्तम महांती बापा सब खटी हुए गोटे लोक था रोसे रोसे करते खिया पी चले खटी चलती फिल्म विषय मुझे छुआ दिल्ली मत भल लगे मुझे बस शुणे तो यही महोल बढ़ी बढ़ी जेहे मुझे कटक जन्म मोर प्यारिमोन एकेडमी स्कूल मोर स्कूल रेवेन्सा कॉलेज मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट कला परे मां पिछरे फर्स्ट एंट्री करली अच्छा अच्छा किछि स्मृति रहिछ आपण कर मेमोरेबल मोमेंट को सर सेई छुआ दिन रो पिला दिन रो बहुत भल छै कने देखंतु से टाइम आ आसीबोनी हमर वन शूटिंग आरंभ होला माने हमें 3-4 मास पर घरे होवाला चलथे अच्छा कने स्क्रिप्ट लिखाबो मास डेढ़ मास तब गीत आरंभ हो सिंगर अस्तित्व गीत चलथिबो से मास डेढ़ मास आमरी घरे खिया पिया अच्छा तेनाली इनवलमेंट था सुटिंग है मैंने घर खाइबा जाए अच्छा तल रोसे हम रोसे रोसे कर बापा निजे मैं मैं नहीं आसवे रोसे हे खाइब लोक तेनाली फैमिली वाले आम ट्रीट कर लगे गोटे फेस्टिवल अच्छा चार फेस्टिवल गोटे मुवी आसला मैंने फेस्टिवल स्टार्ट छुट्टी सेठ जाऊ मुझे छुआ दिली धीरे जेन्ट एवं जानते कौन थे निज निज लगुला तेज संजय बाबू अनेक प्रड्यूसर अच्छा जो मैंने कि अभिनय प्रति रुचि रोचे इच्छा रोचे कि स्क्रीन में आसवापी अभिनय करने आपंकर किसी रुचि रोचे देखते जो मैंने आक्ट आसर आक्ट निशा थाए बट मोर हूँ पेशा एंड निशा अच्छा फिल्म लाइन मोर ये बिजनेस अच्छा आज फैमिली बड़े ट्रीट कर फिल्म तैयारी कैसे बक्स अफिस हिट कलेक्शन कै तेना मोर एक्टिंग करे नथला मु नाचे बे पसंद करेनी मु नचे बे पसंद करे अच्छा
ତେଣୁ ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣିକି ନଚାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ନାଚିନି, ମୋତେ ନାଚି ଭଲନି। ମୋ ସାନ ଭାଇର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା କିଛି ଦିନ, ସେ କିଛି ଦିନ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲା। ଆମେ ତିନି ଭାଇ, ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବଡ଼ ପୁଅ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ହଉ, ମଝିଆ ପୁଅ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହଉ, ସାନ ହିରୋ ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସାନର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲାନି, ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବଡ଼ ବାପା ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ, ତିନି ଚାରିଟା ପିକ୍ଚର୍ ଆମେ ତ ନେଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁ ଗୋଟେ, ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ସେହି ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ସବୁ। ଆମ କାମ ଥିଲା ଭଗବାନ ପଠାଇଥିଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପଣ ତିନି ଜଣ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଅଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲାଇନ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ ରଖନ୍ତୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଗଲା ବେଳେ ଉପର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସାନର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ ପଶିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ। ତେଣୁ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢାପଢି କରୁଛନ୍ତି, ଆଫ୍ଟର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ, ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍, ମୁଁ ଅଛି ତମ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଡ଼ିତ, ଯାହାକି ଆମେ କହିବା କି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚକୁ ନେଇ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଭୟ ଲାଗେନି କି ମୋ ନାଁରେ କାଳେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆଲବମ୍ ସିରିଏଲ୍ ସବୁ ହେଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିରୋଇନ୍ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଏଠି କ'ଣ ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ଝିଅ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହଉ କି ଆଲବମ୍ ଇଏରେ ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଝିଅ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତ କିଏ କେତେବେଳେ କରୁଥିବ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାଟା ମୁଁ ଜାଣେ ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛୁ, ସେମିତି କିଛି ଆସିନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବଡ଼ ହିରୋଇନ୍ କି ବଡ଼ ହିରୋ କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି? ଯାହାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ, ସେ ପୁଣି ମୁହଁରେ ପର୍ଦା ପକାଇକି ସେ କହୁଛି ଏ ଲୋକ ସେ କରିଛି ସେ କରିଛି, ତା'ର ଆଗରୁ କରୁଥିଲ, ସେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଖରାପ। ମୋ କହିବା କଥା ଯେବେ ହେଲା, ଯଦି ସେବେ ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାନ୍ତ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସତ୍ୟତା ଅଛି ବୋଲି। ତମେ ସେଥିରେ ଫାଇଦା ପାଇଁ କ'ଣ କଲ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯେତେବେଳେ ଫାଇଦା ବାହାରି ଗଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛ, ସେ ବି ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି, ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ କମର୍ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ କି ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍ରେ ହୁଏତ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଯିବ, ମୋ ନାଁ ଆସିବ ସାମ୍ନାକୁ, ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ଅନୁଭବ ଆସିଲା, ତାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, ତମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କାରଣ ତୁମେ ଏଠି ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କୁଲ୍ ନାହିଁ, ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ମିରର୍, ଆପଣ ମିରର୍ ସାମ୍ନା ଠିଆ ହେଇକି ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ, ୟେସ୍ ମୁଁ ପାରିବି। ବଟ୍ ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ମିରର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଉଁ ରୋଲ୍ରେ ଫିଟ୍ ଅଛି, ନା ମୁଁ ହିରୋ ହେଇପାରିବିନି, ମୁଁ କ୍ୟାଟ୍ରୋଲ୍ ଯିବି, ମୁଁ ଏଇ ଆସ, ୟୁ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍। ଆଗକୁ ବଲିଉଡ଼ରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛନ୍ତି କି? ବଲିଉଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା, ବଲିଉଡ଼ ଯିବାର ଥିଲେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ବାପା ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ପିକ୍ଚର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲୁ, ବାପା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲେ, ସୁଭାଷ ଘାଇ, ରାକେଶ ରୋଶନ, ସୁଜିତ କୁମାର, ବାପା ଏକାଠି ରାତିରେ ମିଟିଂ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଇଏ ସୁଜିତ କୁମାର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ବେଙ୍ଗଲୀ ବନେଇବା, ମୁଁ ଚାଲ ବନା, ଓଡ଼ିଶା ଆସି ବନେଇଲୁ ଆମେ। ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଥିଲା ଟୋପାଏ ସୁନ୍ଦର ଦୁଇପଟ ଶଙ୍ଖା, ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୀ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟଲିପି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ରାକେଶ ରୋଶନ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଡ୍ୟାଡ଼ ଡାକନ୍ତି, ଡ୍ୟାଡ଼ ଏ କାମ କିଛି ରାକ୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ଯାହା କରିବା ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା, ସେଇଟା ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀରେ ବନେଇବା, ମାଧୁରୀ ଅଛି, ଅନିଲ କପୁର ଅଛି, ବନେଇବା। ବାପା କହିଲେ, ନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଅଛି, ବମ୍ବେ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ସେଠି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଗେ, ଯଦି ଟିକିଏ ଗୋଡ଼ ଖସିଲା କେଉଁଠି ପତା ମିଳିବନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କିଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ଅନୁଭବ ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲା ମୁଁ ବମ୍ବେ ଯିବି, ମୁଁ କହିଲି ଭୋକା ତୁ ଏଠି ଷ୍ଟାର ହେଇଗଲାଣୁ, ଆଉ ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବୁ, କାରଣ ବମ୍ବେରେ ତା'ବେଳେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ତୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେଠି ରୁହ, ଆମର ଏଠି ବେଶ୍ ହେଇଗଲାଣି ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍, ବସନ୍ତ ନାୟକ, ସେଠି କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବୁ ବମ୍ବେରେ? ଓକେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।